हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबकी देखिए, फिजिकल साइंस का 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 15 अप्रैल को बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का मेथड का, तो देखिए हर का अलग अलग मेथड होगा। तो फिजिकल साइंस जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री होगा, उनको फिजिकल साइंस मेथड मिलता है, दोनों का एक ही रहता है। तो देखिए 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 3 यूनिट होगा, जिसमें से आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए मेथड में सभी को एक ही समान, सबका तो एक ही पैटर्न होता है, समझे। तो देखिए फिजिक्स में फिजिकल साइंस जिनका होगा, उनका यूनिट 1 में ही क्वेश्चन आएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में होता है, यानी उसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, क्या उद्देश्य है और उस सब्जेक्ट का किसी अन्य विषय से क्या संबंध है। यानी कहने का मतलब ये 2-3 क्वेश्चन इसमें बनता है कि पहला क्वेश्चन बनेगा कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के उसके अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़िएगा, C9 में, उसमें भी पूछता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, और इसमें भी पूछ देता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, समझे, उसके बारे में, मतलब उसके आधार पर इसके उद्देश्य को लिखिए। तीसरा आता है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के सहसंबंध अन्य विद्यालय विषय से, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, समझे, ये सबसे कैसे संबंध है। तो देखिए यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं लक्ष्य का वर्णन करना है, समझ गए, यानी इसका अर्थ क्या है, समझे। क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनिएगा उसी के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो फिर वो सब्जेक्ट आप अच्छा से टीचिंग नहीं करा सकते, फिर आपका टीचिंग प्रभावशाली नहीं होगा। तो भौतिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं लक्ष्य का वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान का अन्य विद्यालय विषय के साथ क्या संबंध है। फिर एक्स्ट्रा में आपका क्वेश्चन है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के संदर्भ में भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को लिखिए। देखिए यूनिट 2 में आपका पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिर इसमें पूछ देगा कि भौतिक विज्ञान शिक्षा की क्या क्या विशेषता होना चाहिए, यही सब आपका क्वेश्चन आता है। तो विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005 या VCF, देखिए NCF जो है पूरा आपका सेंट्रल लेवल पर पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, और VCF है बिहार के लिए स्पेशल पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए। VCF 2008 में बना था, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में NCF या VCF के सुझाव का वर्णन करना है, समझ गए। चौथा क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षक के गुण, यानी आप भौतिक विज्ञान शिक्षक बनिएगा तो आप में क्या क्या गुण होना चाहिए, या देखिए इसी में क्वेश्चन घूम दे देता है कि पाठ्य पुस्तक के गुण बताइए, यानी भौतिक विज्ञान शिक्षण के पाठ्य पुस्तक के क्या गुण होना चाहिए। तो वही दोनों चीज़ सेम ही हो जाता है, उसमें जो गुण शिक्षक और उस पाठ्य पुस्तक में वो भी चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ सामग्री उसमें होना चाहिए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को लिखे। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपका यूनिट 2 कम्प्लीट हो जाएगा, इतना पढ़ के जाइएगा तो, समझे। अब यूनिट 3 में आपका एक शिक्षण विधि से क्वेश्चन रहता ही रहता है कि भौतिक विज्ञान को किन किन शिक्षण विधियों को पढ़ा सकते हैं, यानी उसका 10-15 जो शिक्षण विधि है उसको लिख देना है। उसमें से आपका आगमन निगमन विधि बोले, या आपका संश्लेषण विश्लेषण विधि बोले, जो विधि बोले, समझे, उसको क्या करना है, लिख देना है। तो वही है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में के विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इनमें से कोई 2 शिक्षण विधियों का वर्णन करें, समझे। फिर आपका 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 2 पर टिप्पणी करें, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व, समझे, भौतिक विज्ञान शिक्षण में ICT, और तीसरा है सर्वोदय सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, यानी भौतिक विज्ञान शिक्षण में क्या क्या शिक्षण सामग्री हो सकती है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, समझे। ICT में कंप्यूटर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप क्या दे सकते हैं, बहुत इतना चीज़ कर लीजिएगा, आपका फिजिकल साइंस का हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन रहेगा आपका, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, आराम से लिख दीजिएगा।